गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि आज हमने अपने पहले वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डाइल्यूशन और टेस्ट डाइल्यूशंस को डिस्कस किया, अब एक वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में चलते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कैलिब्रेशंस को हम आज डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड क्लास में। यहाँ हम यूवी कैलिब्रेशंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यूवी कैलिब्रेशन। यूवी कैलिब्रेशन बेसिकली, यूवी कैलिब्रेशन को स्टार्ट करने से पहले यूवी कैलिब्रेशन के जो पैरामीटर होते हैं, 7 पैरामीटर होते हैं। हमें इन 7 पैरामीटर पे यूवी का कैलिब्रेशन करना होता है। पहला होता है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, दूसरा होता है कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ, तीसरा होता है लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट्स, चौथा होता है रिजोल्यूशन, पाँचवा होता है लिनियरिटी, छठा होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और सातवां होता है कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि ट्रांसमिटेशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेशन और कंसंट्रेशन जो होता है वो डिफरेंट प्रैक्टिकल के प्रॉस्पेक्ट में हम कैलिब्रेट करते हैं यूवी में, पर बेसिकली या मेजरली इन 5 पैरामीटर जो स्टार्टिंग 1 to 5 है, उन्हें हम कैलिब्रेशन के थ्रू यूवी कैलिब्रेशन को परफॉर्म करने के लिए इन पैरामीटर को प्रॉपरली कैलिब्रेटेड करना मस्ट होता है। ये तो होगी कैलिब्रेशन की बात। कैलिब्रेशन होता क्या है, किसी भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के वो पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है, या उस वो अपनी वर्किंग एफिकेसी या एफिशिएंसी प्रॉपरली शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जो लिमिट सेट की जाती है, जो लिमिट लिमिट आइडेंटिफाई की जाती है, उसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। यूवी के कैलिब्रेशन में हमें 7 एस्पेक्ट्स पे यूवी कैलिब्रेशन होता है, लेकिन उन 7 एस्पेक्ट्स में से भी 1 to 5 जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वेंस, कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ, लिमिट टेस्ट ऑफ स्टेलाइट, रिजोल्यूशन और लिनियरिटी, ये 5 क्राइटेरिया है जिनको प्रॉपरली हमें क्या करना रहता है, इन पैरामीटर्स के थ्रू कैलिब्रेट करना मस्ट होता है यूवी को। हम एक एक वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरामीटर विच इज़ कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस पैरामीटर को, यहाँ कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस के पैरामीटर पे यूवी को कैलिब्रेटेड करने के लिए हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना होता है फर्स्टली, और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमें हीट करना होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सबसे पहले हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, और पहले पैरामीटर कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस को कैलिब्रेटेड करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे और उसे हीट करेंगे 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए हुए पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम 2 सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए को प्रिपेयर करने के लिए हम 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और इसे 0.005 मोलर H2SO4 सोल्यूशंस में मिक्स कर देंगे। इस 0.005 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की क्वांटिटी अप टू 100 ml होगी, जो 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिजोल्व करेगी। सोल्यूशन ए प्रिपेयर करने के लिए 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट को 60 मिलीग्राम लेने के बाद उस पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिजोल्व किया 1000 ml या 1000 ml H2SO4 से, जिसकी स्ट्रेंथ 0.005 मोलर है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हमने लेबल कर दिया, ये सॉल्यूशन हमने कोनिकल फ्लास्क में बनाया, इसे हमने बोल दिया सॉल्यूशन ए। अब हम प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी प्रिपेयर करने के लिए हम 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे अगेन, और इसमें अगेन 0.005 मोलर H2SO4 स्ट्रेंथ का सोल्यूशन मिक्स करेंगे H2SO4 का, लेकिन इस बार H2SO4 की क्वांटिटी हम 1000 ml ना रखते हुए 100 ml रखेंगे। इस सोल्यूशन में प्रॉपरली मिक्स करने के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट को, इस सोल्यूशन को हम नाम दे देंगे सोल्यूशन बी। अभी एक बात नोट कीजिएगा आप, हमने जो क्वांटिटी ली है सोल्यूशन ए में वो 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट की है, सोल्यूशन बी में भी 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्वांटिटी है। 0.005 मोलर H2SO4 स्ट्रेंथ का सोल्यूशन लिया है हमने H2SO4 का सोल्यूशन ए में भी और सोल्यूशन बी में भी, लेकिन क्वांटिटी जो ली है सोल्यूशन ए में हमने सॉल्वेंट या H2SO4 की क्वांटिटी 1000 ml ली है, और सोल्यूशन बी में हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी 100 ml ली है। इस तरीके से हमारे 2 सोल्यूशन प्रिपेयर हो गए। अब इन 2 सोल्यूशन को लेके हमें इन दोनों सोल्यूशन की रीडिंग लेना है किसके ऊपर,
यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। तो रीडिंग लेने के पहले हम क्या करेंगे, हम जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में भी और प्रैक्टिकल पार्ट में भी, कि हम जब भी कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट लेते हैं तो उस सॉल्वेंट से पहले आटो जीरो और बेसलाइन करेक्शन करते हैं। सो यहाँ पे हमने 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया है। तो पहले हम सैंपल वाले इक्वेट्स में भी और रेफरेंस वाले इक्वेट्स में भी पहले हम 0.005 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन लेके बेसलाइन करेक्शन करेंगे और आटो जीरो करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। जब आटो जीरो और बेसलाइन करेक्शन हो जाएगा तो सैंपल वाले H2SO4 को निकाल लेंगे, रेफरेंस वाले H2SO4 को एज इट इज ही रखे रहने देंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और पहले बार सोल्यूशन ए से और दूसरी बार सोल्यूशन बी से हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। सो हम क्या देखेंगे, एब्जॉर्बेंस जब नोट करेंगे तो सोल्यूशन ए से हमें चार रीडिंग लेना है। सोल्यूशन ए जो ऊपर वाला सोल्यूशन है, जहाँ 60 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने 0.005 मोलर H2SO4 1000 ml मिलाया था, उसकी हमें चार रीडिंग लेना है। कौन कौन सी वेवलेंथ पे, 285 वेवलेंथ पे, 257 वेवलेंथ पे, 313 वेवलेंथ पे और 350 वेवलेंथ पे। मतलब 285 वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस नोट करना है, 257 वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस नोट करना है। एब्जॉर्बेंस को सेट कर देंगे हम पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, 313 वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स पे हमें वेवलेंथ या एब्जॉर्बेंस नोट करना है, और 350 वेवलेंथ पे हमें एब्जॉर्बेंस नोट करना है। यहाँ जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो एब्जॉर्बेंस क्या आना चाहिए, सोल्यूशन ए का एब्जॉर्बेंस 285 नैनोमीटर पे 124.5 एब्जॉर्बेंस आना चाहिए, 257 पे 144, 313 पे 486 और 350 पे 106.6 एब्जॉर्बेंस नोट डाउन होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा इसकी जो लिमिट रहेगी, मैक्सिमा टॉलरेंस जिसे बोलते हैं, वो मैक्सिमा टॉलरेंस जो होना चाहिए लिमिट दी हुई है। जैसे आप देखेंगे सोल्यूशन ए पहले वाली टेबल के पहले वाले कॉलम में और पहले वाले रो में, यदि वेवलेंथ 285 है, एब्जॉर्बेंस 124.5 आना चाहिए, या तो 124.5 आए या मैक्सिमम टॉलरेंस जो रहे वो 122.9 से 126 के बीच होना चाहिए। इससे कम पे भी एब्जॉर्बेंस नहीं आना चाहिए, इस वेवलेंथ से कम पे भी, या इतने इससे कम भी एब्जॉर्बेंस नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी एब्जॉर्बेंस नहीं आना चाहिए। ये मैक्सिमम टॉलरेंस की लिमिट है। इस टॉलरेंस से यदि ज़्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस आता है तो कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस का पैरामीटर हमारा फेल हो जाता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए। सोल्यूशन ए के दूसरे वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा टॉलरेंस है 144 से 145, 144 से 145 के बीच आना चाहिए। तीसरा जो सोल्यूशन है उसका वेवलेंथ 313 है, उस पर एब्जॉर्बेंस 486 आना चाहिए। सो ये 47 से 503 के बीच आना चाहिए, 46 पे भी आएगा तो गलत है, और 503 से ऊपर भी आएगा अगर एब्जॉर्बेंस तो भी हमारा कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस वाला पैरामीटर फेल हो जाएगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। सेम इसी तरीके से 350 पे यदि 106.6 तो रेंज होना चाहिए एग्जैक्ट, पर अगर एग्जैक्ट रेंज नहीं है तो लिमिट जो होना चाहिए मैक्सिमा टॉलरेंस की वो होना चाहिए 104.9 से 109 के बीच में। इससे कम पे या इससे ज़्यादा पे यदि एब्जॉर्बेंस हमें मिलता है तो कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस वाला जो पैरामीटर है कैलिब्रेशन का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वो फेल हो जाएगा और हमारा कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस पास नहीं हो पाएगा। ये हमने क्या करा, सोल्यूशन ए का हमने ले लिया। इसी तरीके से हमें सोल्यूशन बी की केवल सिंगल रीडिंग लेना है 430 वेवलेंथ पे, और 430 वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस 159 आना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट 157 से 165 रहेगी। 157 से कम पे भी यदि आता है सोल्यूशन बी का एब्जॉर्बेंस तो भी हमारा कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस वाला पैरामीटर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फेल हो जाएगा, और इससे ये सो हो जाएगा अगर इस मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट से कम या ज़्यादा पे हमारा एब्जॉर्बेंस हमें मिलता है तो इससे ये सो हो जाएगा कि हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये हो गया कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस क्राइटेरिया।
दूसरा जो क्राइटेरिया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कैलिब्रेशन का, जिसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का कैलिब्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेवलेंथ प्रॉपरली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपरली पकड़ रहा है या प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है वेवलेंथ पे। सो वेवलेंथ को कैलिब्रेटेड करने के लिए तीन अलग अलग मेथड होती है और तीनों अलग अलग मेथड है, जिसमें से नंबर दो जो मेथड है होलमियम परक्लोरेट सोल्यूशन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है एस्पेक्ट से। लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में भी और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको तीनों मेथड पता होना चाहिए, सो हम तीनों मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बेसिकली कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ में केवल एक ही मेथड यूज़ की जाती है, होलमियम परक्लोरेट सोल्यूशन मेथड। बेसिकली तीन मेथड होती है, मेथड ए जो होती है कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ की, उसे कहते हैं होलमियम फिल्टर मेथड। मेथड बी जो होती है उसे हम बोलते हैं होलमियम परक्लोरेट सोल्यूशन मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरी मेथड जिस जो कैलिब्रेशन को वेवलेंथ को कैलिब्रेटेड करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ होती है, उसे कहते हैं डिस्चार्ज डैम मेथड। हम एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। होलमियम फिल्टर मेथड जो कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ की है, उसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस जो नोट डाउन करते हैं वो 500 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर्स के बीच में हम एब्जॉर्बेंस को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। और अब इसको नोट डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेंगे, किसी भी सॉल्यूट एनालाइट सब्सटेंस का सॉल्यूशन लेके सॉल्वेंट के साथ ऑटो जीरो करके, और ऑटो जीरो करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ पे हम क्या करते हैं, रीडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेंस की। सो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस सेट करते हैं 500 से 200 नैनोमीटर तक होलमियम फिल्टर का कैलिब्रेशन करने के लिए इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एब्जॉर्बेंस जो नोट डाउन किया जाएगा वो 500 से 280 नैनोमीटर के बीच में नोट डाउन किया जाएगा। मेथड जो यूज़ करेंगे इसमें स्कैन की जाके, जो हमने डिस्कस किया था कि हम ऑपरेट करने से पहले यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाके स्कैन की स्पीड हाई होती है, स्लो होती है और मीडियम होती है, तो हम स्लोवेस्ट मेथड चुनेंगे होलमियम फिल्टर का वेवलेंथ के प्रॉस्पेक्ट में कैलिब्रेशन करने के लिए। और जो स्लिट की सेटिंग होती है, स्लिट की सेटिंग दी हुई होती है, उसमें स्लिट्स की नेरो और ब्रॉड सेटिंग होती है, तो हम नेरोएस्ट सेटिंग चुनेंगे। थ्री सेटिंग होती है, उसको सिलेक्ट करके नेरोटिंग स्लिट की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रन करेंगे सोल्यूशन को ऑटो जीरो करने के बाद। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, तीन तरह के बेंड मिलेंगे। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो तीन तरह के बेंड मिलते हैं, जो एक ही साथ बेंड मिल रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर में तीन तरह तक तरह के बेंड मिल दिख रहे हैं। ये जो बेंड दिखते हैं, थ्री फ्यूज्ड बेंड आपस में फ्यूज होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं, वो बेंड हमें दिखते हैं। अब यहाँ इस बेंड्स का दिखने का एक क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर होलमियम फिल्टर वाला क्राइटेरिया फाइनली फॉलो हो रहा है, तो यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो थ्री फ्यूज्ड बेंड आ रहे हैं वो कौन से नैनोमीटर से किस नैनोमीटर पे जनरेट होंगे, 453.4 नैनोमीटर पे। अगर आप यहाँ देखें 453.4 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा, ये 453.4 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा, या तीनों फ्यूज बेंड जो जनरेट होंगे वो यहाँ पे जनरेट होंगे। सो तीन फ्यूज बेंड जनरेट होना चाहिए एब्जॉर्बेंस के कौन से नैनोमीटर पे, 453.4 नैनोमीटर पे। और एक सिंगल बेंड आना चाहिए, या सिंगल एक बेंड आना चाहिए, या एक शार्प पीक आना चाहिए 360 नैनोमीटर पे, ठीक है। और मैक्सिमा मतलब ओवरऑल एब्जॉर्बेंस कहाँ कहाँ आना चाहिए, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे अलग अलग वेवलेंथ पे आना चाहिए, 452.4, 360.9, 287.5, 279.4 और 241.5 नैनोमीटर्स पे अलग अलग पीक जनरेट होना चाहिए। अगर ये पीक जनरेट नहीं होती और ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है, तो हमारा होलमियम फिल्टर के थ्रू जो कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ है वो फेल हो जाता है। इसलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, होलमियम फिल्टर्स के थ्रू वेवलेंथ का कैलिब्रेशन यूवी का प्रॉपर हो, इसके लिए हम एब्जॉर्बेंस सेट करते हैं 500 से 280 नैनोमीटर पे, और उसके बाद मेथड जो डेवलप करते हैं या जो इंसर्ट करते हैं वो स्लोवेस्ट स्कैन स्पीड मेथड पुट करते हैं यूवी में, और नैरो स्लिट
सेटिंग को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो रन कराते हैं सैंपल को, तो जो सैंपल रन होता है वो थ्री फ्यूज्ड बैंड एब्जॉर्बेंस बैंड बनाएगा, कौन से नैनोमीटर पे, 453.4 नैनोमीटर पे, फ्यूज टाइप के तीन ही एब्जॉर्बेंस एक ही जगह पे दिखेंगे, फ्यूज टाइप के थ्री एब्जॉर्बेंस बैंड बनेंगे, और एक सिंगल बैंड सार बैंड आएगा 360 नैनोमीटर पे। इसके अलावा अलग अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस आएंगे, ये एब्जॉर्बेंस कौन कौन से नैनोमीटर पे आना चाहिए, 452.4 पे, 360.9 पे, 287.5 पे, 279.4 पे और 241.5 नैनोमीटर पे। यदि ये क्राइटेरिया, ये जो चार क्राइटेरिया पांच क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ के, तो होलमियम फिल्टर वाला आपका जो कैलिब्रेशन का एस्पेक्ट है वो फेल हो जाता है। इसे बोलते हैं मेथड ए, कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ की मेथड ए। दूसरी मेथड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, मैंने बोला होलमियम परक्लोरेट सोल्यूशन मेथड, वेवलेंथ को क्या करने की, वेवलेंथ का कैलिब्रेशन करने की। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, होलमियम थर्ड पर क्लोरेट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इस होलमियम थर्ड पर क्लोरेट सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम 0.5 ग्राम होलमियम ऑक्साइड को लेते हैं, और इस होलमियम ऑक्साइड में 2.4 ml 1.4 मोलर कंसंट्रेशन का परक्लोरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, जो 72% प्योर होता है और एनालिटिकल ग्रेड का रिएजेंट होता है, ठीक है। और इससे 2.4 ml जो हमने मिक्स किया 0.5 ग्राम होलोनियम ऑक्साइड में परक्लोरिक एसिड 1.4 मोलर कंसंट्रेशन का, उसकी 10 ml उससे हम क्या करते हैं, 10 ml डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ। सो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले होलमियम परक्लोरेट सॉल्यूशंस मेथड को वेवलेंथ कैलिब्रेशन करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया, होलमियम थर्ड परक्लोरेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये होलमियम थर्ड परक्लोरेट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम होलमियम ऑक्साइड को 0.5 ग्राम वे करते हैं, और इसमें 2.4 ml परक्लोरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, जो 1.4 मोलर कंसनट्रेशन का होता है, और इस पूरे सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं 10 ml वाटर के साथ। ये जो परक्लोरिक एसिड होता है 75% प्योर होता है और एनालिटिकल ग्रेड का रिएजेंट होता है। सेकंड स्टेप में ये करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाते हैं और वहाँ पे मेथड फाइल में जाके वेवलेंथ या फाइल जो फाइल होती है, जो खुलती फाइल, उसमें हम कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं 2 नंबर का स्विच दबा के, और फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस को रिकॉर्ड करते हैं 230 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर से लेके 230 नैनोमीटर पे। हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन की रीडिंग या इस सोल्यूशन को जो होलमियम ऑक्साइड से बना सोल्यूशन है परक्लोरिक एसिड और वाटर के मिक्सचर के साथ, उसको हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवाने पे हमें क्या होता है, 5 λ max मिलते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि ये 5 वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ पे हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग वेवलेंथ पे 5 अलग अलग हमें पीक मिल रहे हैं। ये वेवलेंथ फिक्स होती है, यहाँ मेंशन की हुई है, ये वेवलेंथ 241.15 नैनोमीटर पे, 287.15 नैनोमीटर पे, 341.5 नैनोमीटर पे, और 536.3 नैनोमीटर पे। इस तरीके से हमें 5 अलग अलग लेमड़ा मेक्स से अलग अलग एब्जॉर्बेंस हमें नोट डाउन होते हैं। इस तरीके से अगर ये 5 नैनोमीटर 5 λ max हमें मिल गए फिक्स वेवलेंथ पे, जो ग्राफ में दिख रहे हैं उस वेवलेंथ पे, तो हमारा होलियम परक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टेस्ट जो है वेवलेंथ के कैलिब्रेशन के लिए वो पास हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैलिब्रेशन का, वेवलेंथ कैलिब्रेशन का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और बेसिकली इंडस्ट्री में और सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन या यूवी के कैलिब्रेशन के लिए इस वेवलेंथ कैलिब्रेशन के लिए इसी मेथड को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तीसरी मेथड है डिस्चार्ज लेम मेथड। इस डिस्चार्ज लेम मेथड में हम क्या करते हैं, अगेन स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, 100 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्लोरेट लेते हैं, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम
मिक्स करते हैं 0.005 नॉर्मल KOS सॉल्यूशन 20 ml लेके उसमें, और इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं अगेन 50 ml विथ 0.005 नॉर्मल KOS सॉल्यूशन के साथ, और इस सॉल्यूशन को अब क्या करते हैं, स्कैन करते हैं 340 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के रेंज में। यहाँ पे ब्लैंक सॉल्यूशन के तौर पे हम KOH सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस, एज ए टेस्ट, पहले आटो जीरो करते हैं, बेसलाइन करेक्शन करते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम वेवलेंथ जो आना चाहिए इस सॉल्यूशन की वो 370 नैनोमीटर पे आना चाहिए। यदि मैक्सिमम वेवलेंथ 370 नैनोमीटर पे नहीं आती है तो हमारा डिस्चार्ज लैंप वाला जो मेथड है कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ का वो फेल हो जाता है। इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखी कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ की, पहली होलमियम फिल्टर मेथड, दूसरी होलमियम परक्लोरेट सॉल्यूशन मेथड, और तीसरी डिस्चार्ज लैंप मेथड। ये तीनों मेथड कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ के लिए यूज़ होती है, जिसमें से मेथड नंबर 1 और 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होलमियम परक्लोरेट सॉल्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ की होलमियम फिल्टर मेथड में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करते हैं 500 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में, मेथड को स्लोएस्ट स्कैन स्पीड कर देते हैं और नैरोएस्ट स्लिट सेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें क्या होते हैं, 3 फ्यूज्ड एब्जॉर्बेंस बैंड मिलते हैं। 3 फ्यूज्ड बैंड जो एब्जॉर्बेंस बैंड मिलेंगे वो 453.4 नैनोमीटर पे मिलेंगे, इसके अलावा एक सिंगल शार्प बैंड मिलेगा हमें 360 नैनोमीटर पे, और अलग अलग एब्जॉर्बेंस मिलेंगे डिफरेंट 5 तरह की वेवलेंथ पे। यहाँ वेवलेंथ जो आपका वेवलेंथ है कौन कौन सी वेवलेंथ, 452.4, 360.9, 287.5, 279.4 और 241.5 नैनोमीटर पे। अगर इससे बाहर जाती है रेंज या इससे बाहर अगर हमें कुछ भी मिलता है एब्जॉर्बेंस, सो कैलिब्रेशन ऑफ वेवलेंथ हमारा फेल हो जाता है होलमियम फिल्टर। दूसरे इंपॉर्टेंट मेथड जो देखिए होलमियम परक्लोरेट सॉल्यूशन में, यहाँ हम क्या करते हैं, पहले होलमियम थर्ड परक्लोरेट सॉल्यूशन बनाते हैं। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 0.5 ग्राम होलमियम ऑक्साइड लेते हैं, इसमें 2.4 ml 1.4 मोलर कंसंट्रेशन का परक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मिलाते हैं, और इस पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं 10 ml वाटर के साथ। उसके बाद मेथड में जाते हैं डाइल्यूशन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, और उसमें जाने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मेथड को, और मेथड में सिलेक्ट करते हैं फाइल में कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ को। ये सिलेक्ट करने के बाद हम एब्जॉर्बेंस को रन करवाते हैं या एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करते हैं 230 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर से लेकर 230 नैनोमीटर के बीच में। ये जब हम एब्जॉर्बेंस इस पर्टिकुलर रेंज में नोट डाउन करते हैं तो 5 तरह की वेवलेंथ पे हमें एब्जॉर्बेंस मिलना चाहिए। ये वेवलेंथ जो होती है, 5 तरह की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 241.15, 287.15, 361.15 और 536.3 नैनोमीटर पे। यदि इससे बाहर, इससे ऊपर या इससे कम लेमड़ा मैक्स हमें मिलते हैं, इससे ज़्यादा लेमड़ा मैक्स मिलते हैं जो 5 मिलना चाहिए, तो हमारा होलमियम परक्लोरेट सॉल्यूशन वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस कैलिब्रेशन जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का है वो फेल हो जाता है। तीसरी मेथड डिस्चार्ज लैंप मेथड है, जिसके थ्रू भी हम वेवलेंथ को क्या करते हैं, कैलिब्रेटेड करते हैं। यहाँ वेवलेंथ को डिस्चार्ज लैंप मेथड के थ्रू कैलिब्रेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 मिलीग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, इसे मिक्स करते हैं 0.05 नॉर्मल KOH के साथ, 20 ml क्वांटिटी लेते हैं KOH की, और इसको मिक्स कर देते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं, लास्ट में 500 ml क्वांटिटी 0.005 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके इस पूरे सॉल्यूशन को लेके इसका जो है हम स्कैन करते हैं 340 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, है ना। और सॉल्यूशन ब्लैंक के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं, चूंकि 0.005 नॉर्मल KONS सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया है, सो यहाँ पे भी हम ब्लैंक जो लेंगे सॉल्यूशन सैंपल और रेफरेंस के तौर पे, पहले बेसलाइन करेक्शन और आटो जीरो करने के लिए वो 0.005 नॉर्मल KOS सॉल्यूशन को ही लेंगे। लास्ट में हम मैक्सिमा या वेवलेंथ जो रखते हैं वो 370 नैनोमीटर पे जो भी एब्जॉर्बेंस आता है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, एब्जॉर्बेंस 370 नैनोमीटर पे ही आना चाहिए, तभी हमारा डिस्चार्ज लैंप वेवलेंथ कैलिब्रेशन है वो सॉर्ट आउट होता है या पास होता है। चले अगला जो हमारा है लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट, जिसके जिस पैरामीटर के आधार पे हमें एब्जॉर्बेंस लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट
पैरामीटर के आधार पे हमें कैलिब्रेशन करना होता है स्ट्रेलाइट का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसके लिए अगेन हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पहले पोटेशियम क्लोराइड को 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसकी 1.2 ग्राम क्वांटिटी को वे करके उसे डिजोल्व करते हैं 50 ml वाटर के साथ, और फाइनली इस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप अगेन कर देते हैं वाटर के साथ ही अप टू 100 ml तक। ये सोल्यूशन हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट मेथड को सिलेक्ट करते हैं, फाइल में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को यूज़ करके आटो जीरो करना है और बेसलाइन करेक्शन करना है, और 200 नैनोमीटर पे हमें एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करना है लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट्स को चेक करने के लिए। ये एब्जॉर्बेंस 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से कम या दो से कम आने पे अगर ये ग्रेटर देन 2 नहीं होगा तो लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट वाला कैलिब्रेशन पॉइंट हमारा जो है पैरामीटर वो फेल कर जाएगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इसे पास करने के लिए एब्जॉर्बेंस जो आना चाहिए 200 नैनोमीटर्स पे लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट्स का इस सोल्यूशन का, वो ग्रेटर देन या मोर देन 2 होना चाहिए। ये हो गया लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट्स का कैलिब्रेशन थ्रू यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरामीटर से यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन को कैलिब्रेटेड करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगेन यहाँ भी एक सोल्यूशन बनाएंगे। ये सोल्यूशन बनेगा 0.02% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का। इसमें दोनों कंपोजिशन रहेंगे टॉलविन और हेक्सेन को 0.002% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेके मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे टॉलविन का हेक्सेन। यहाँ पे हेक्सेन एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और टॉलविन को सॉल्वेंट की तरह यूज़ होगा, मतलब टॉलविन और हेक्सेन का मिक्सर जो रहेगा वो 0.002% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन रहेगा। अगेन सॉल्यूशन बनने के बाद मेथड में जाएंगे और मेथड में रिजोल्यूशन पावर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हेक्सेन के साथ, चूंकि हेक्सेन एज ए मोर एज ए सॉल्वेंट हमने लिया, हेक्सेन के साथ आटो जीरो और बेसलाइन करेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे टॉलविन और हेक्सेन के सॉल्यूशंस की, कितने पे एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे, 269 पे और 266 पे। सो 269 पे मैक्सिमा एब्जॉर्बेंस आना चाहिए और 266 पे मिनिमा एब्जॉर्बेंस आना चाहिए, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस जो दिखना चाहिए वो 266 नैनोमीटर पे और हाईएस्ट जो दिखना चाहिए 269 नैनोमीटर पे। जो भी एब्जॉर्बेंस 269 नैनोमीटर पे आएगा और 266 नैनोमीटर पे आएगा उसका रेशो हम निकालेंगे। अब रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशो ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू मैक्सिमा डिवाइडेड बाय मिनिमा। सो हम इनका क्या लेंगे, रेशो लेंगे। तो 269 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्बेंस आएगा उससे ऊपर लिखेंगे, 266 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्बेंस आएगा मिनिमा आएगा उसे डिवाइड कर देंगे मैक्सिमा से मिनिमा से। जब ये मैक्सिमा को मिनिमा से डिवाइड करेंगे तो जो रेशो की वैल्यू आना चाहिए वो मोर देन 1.5 एब्जॉर्बेंस आना चाहिए। अगर 1.5 से लेस आता है तो रिजोल्यूशन पैरामीटर जो है हमारा कैलिब्रेशन का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो फेल कर जाएगा, और अगर 1.5 से ज़्यादा आता है तो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है जिसे हम बोलते हैं लिनियरिटी। लिनियरिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के डाइल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.05 नॉर्मल KOH लेते हैं और 0.05 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन लेके, अब डाइल्यूशन कैसे बनाना है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पहले सॉल्यूशन बनाते हैं 0.05 नॉर्मल KOH का, और फिर इससे बेस सॉल्यूशन प्रिपेयर करके 4, 8, 16, 24 और 32 माइक्रोग्राम पर ml के डिफरेंट डाइल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, और इन सारे डाइल्यूशंस का एब्जॉर्बेंस हम क्या करते हैं 370 नैनोमीटर पे क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं 370 नैनोमीटर पे। इन डिफरेंट डाइल्यूशन जो 1, 2, 3, 4 और 5 डाइल्यूशन बने उन डाइल्यूशंस की हम रीडिंग नोट करते हैं और उस रीडिंग के आधार पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैसे स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करते हैं और कैसे आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ।
आने वाले अपकमिंग डेज में, जिससे आपको, और वो लास्ट वीडियो रहेगा शायद यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो पार्ट वन डाला है थ्योरी बेस, उसको मैं आगे कंटिन्यू करके यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम HPLC का डेमोस्ट्रेशन देखेंगे और मास का डेमोस्ट्रेशन देखेंगे विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया या आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर स्क्वेयर कैसे निकालना है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो वैल्यू लेस देन 0.999 से लेस नहीं होना चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 0.9999 आ जाती है तो लीनियरिटी कॉन्सेप्ट आपका पास हो जाता है कैलिब्रेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। सो ये मैंने पांच बहुत मेजर और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कैलिब्रेशन ऑफ यूवी के। इंडस्ट्री में पूछा जाता है QC में, अगर आप में से कोई लोग जाना चाह रहा है या इंटरव्यू फेस करेंगे तो यूवी का कैलिब्रेशन पूछा जाता है। ये यूवी का कैलिब्रेशन इन पांच पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अगर आपको ये पांच मेथड पता है तो आप यूवी पे, आपके कॉलेज में अगर यूवी अवेलेबल है तो आप वहाँ पे बहुत इजीली कैलिब्रेशन ऑफ यूवी परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कैलिब्रेशन ऑफ यूवी समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी क्लास में बने रहेंगे। फिलहाल क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।